हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 11th एंड 12th जुलाई वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट आर्टिकल। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अनवेल्स न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी 2021-30। तो क्या प्रोविजंस हैं, क्या की फीचर्स है इस न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी को लेकर, उसे डिस्कस किया जाएगा। साथ ही साथ जो पॉपुलेशन का टॉपिक है आपका मेंस में हाईलाइटेड सिलेबस के रूप में आपका अवेलेबल है, आप सिलेबस को ओपन कर देख सकते हो। पॉपुलेशन एज अ सेपरेट टॉपिक आपको मेंशन करी गई है तो और भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। और यहाँ से आप कुछ फॉर्डर पॉइंट्स भी यूज कर सकते हो एज ए सजेशन के रूप में कि क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं देश में टू कंट्रोल द पॉपुलेशन, सो दैट आप क्वेश्चंस को कोई भी पॉपुलेशन जैसे टॉपिक पर आते हैं तो वहाँ पर यूज कर सकते हो। तो ये जो पॉलिसी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लेकर आई है, बेसिकली वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो आपका 11th ऑफ जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है उसी दिन अनेबल करी गई थी। और इसका बेसिक एम जो रखा गया है वो ये कि जो बर्थ रेट है उसे 2.1 पर 1000 पॉपुलेशन पर लाया जाए बाय 2026 एंड बाय 2030 इसे कम करके 1.9 पर लाया जाए। और अन्य जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इस पॉलिसी में इंक्लूड करी गई हैं वो बेसिकली इल्डरली केयर के लिए कंप्रिहेंसिव अरेंजमेंट किए जाएं, क्योंकि आपको भी पता है जब पॉपुलेशन ग्रोथ होता है तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि यंग पॉपुलेशन ग्रो करती है, इल्डरली पॉपुलेशन भी ग्रो करती है। और इल्डरली पॉपुलेशन ग्रो करने का एक चैलेंज ये होता है कि जो रिसोर्सेस हैं स्टेट के उसको कहीं ना कहीं अलाइन करना पड़ेगा फॉर द केयरिंग ऑफ द एल्डरली वन एंड बेटर मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन हेल्थ न्यूट्रिशन ऑफ एडोलेसेंट्स बिटवीन 11 to 19 ईयर्स एंड फॉर्मेशन ऑफ हेल्थ क्लब्स इन स्कूल्स। तो बेसिकली आने वाले समय में इन सब चीज़ों पर भी फोकस किया जाएगा। एंड बात करते हैं कि पॉपुलेशन पॉलिसी की ज़रूरत क्यों पड़ रही है हमारे देश को, या फिर कोई भी स्टेट पॉपुलेशन पॉलिसी लाता है तो क्यों लाता है। तो बेसिकली पहली बात तो आपको पता होगा कि जो भारत में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन देखने को मिल रहा है, इट इज़ बेसिकली एन ऑफशूट ऑफ पॉवर्टी। जनरली आप देखते होंगे कि जो डेवलप्ड नेशन होते हैं उनका जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल्ड होता है, बट भारत के केस में जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा बेसिकली है। और अभी तो चूंकि ये कंट्रोल हो रही है धीरे धीरे, बट कहीं ना कहीं ये हायर पॉपुलेशन ग्रोथ इज बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। एंड इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो आने वाले समय में चाइना के पॉपुलेशन को ओवरटेक कर लेगा इन लेस देन ए डिकेड। तो अभी फिलहाल चाइना नंबर वन पर है और कुछ सालों बाद इंडिया नंबर वन पर आएगा। और क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं टू कंट्रोल द पॉपुलेशन, तो पहला इनिशिएटिव की बात करें तो वी हैव द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 एंड इसके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ये हैं कि स्टेबल पॉपुलेशन भारत का हासिल किया जाए बाय 2045 एट अ लेवल विच इज कंसिस्टेंट विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ सोशल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल पॉपुलेशन, है ना। यानी कि बाय 2045 पॉपुलेशन ग्रोथ उतना कम से कम हो सके जिसके तर्ज पर सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो, सोशल डेवलपमेंट भी हो, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भी की जा सके। एंड मिशन परिवार विकास 2017 इसे लॉन्च करी गई थी फॉर सब्सटेंशियली इंक्रीजिंग एसेस टू कंट्रासेप्टिव्स एंड फैमिली प्लानिंग सर्विसेज। बात करते हैं कि चलो ठीक है पॉपुलेशन पॉलिसी लाई जा रही है टू कंट्रोल द पॉपुलेशन, लेकिन इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हो सकते हैं। पहला नेगेटिव इम्पैक्ट अगर देखा जाए तो अभी आप लाइव एग्जाम्पल चाइना में देख रहे होंगे, क्योंकि चाइना ने कहीं ना कहीं ऐसी स्ट्रिक्ट पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी लाई थी जैसे आपका वन चाइल्ड पॉलिसी, टू चाइल्ड पॉलिसी, जिसके कारण चाइना को अभी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें फेस करना पड़ रहा है। क्या दिक्कतें फेस करना पड़ रहा है, यंग पॉपुलेशन का जो एज कोहर्ट है वो काफ़ी कम होता जा रहा है, एल्डरली पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। एंड डिस्पाइट वेरियस इंसेंटिव्स टू इंक्रीज द पॉपुलेशन कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा है। सो यही कंसर्न्स इंडिया के केस में भी हो सकती है, है ना। एंड जो अदर कंसर्न्स की बात करें तो स्टेबलाइजेशन इन ओवरऑल पॉपुलेशन ग्रोथ
फॉर एग्जाम्पल अभी फिलहाल देखा जाए तो जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो अभी 2.2 है ना, यानी कि रिप्लेसमेंट लेवल जो हमारे देश का है या फिर जो किसी भी देश का होता है वो 2.1 होता है ना। तो रिप्लेसमेंट लेवल का मतलब ये हुआ कि एक स्टेबल पॉपुलेशन ग्रोथ है, यानी कि इससे क्या होगा कि आपका पॉपुलेशन स्टेबल होगा, ना ही बढ़ेगा ना ही घटेगा, है ना। तो अभी आपका प्रेजेंटली टोटल फर्टिलिटी रेट भारत में 2.2 है, तो कहीं ना कहीं काफी सुनर ये रिप्लेसमेंट लेवल को अचीव कर लेगा, तो फिर दिक्कत करने की बात है ही नहीं, है ना। एंड अदर कंसर्न्स की बात करें तो वायलेट प्रोडक्टिव राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स एज वेल, एंड की प्रोविजंस ऑफ यूपीज न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी की बात करें तो इसमें एसेसिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स को इंक्रीज करने का प्रयास किया जाएगा, विच इज इश्यूड अंडर द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम एंड प्रोवाइड ए प्रॉपर सिस्टम फॉर सेफ अबॉर्शन एज वेल, एंड टू रिड्यूस द न्यू बोर्न्स एंड मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, एंड प्रमोशन कंसेशन इन हाउसिंग स्कीम्स एंड अदर पक्ष टू इम्प्लॉयज जो पॉपुलेशन कंट्रोल नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, यानी कि वैसे फैमिलीज जो पॉपुलेशन कंट्रोल नॉर्म्स को फॉलो करेंगे अडेयर करेंगे उनको प्रमोशन दी जा सकेंगी, कंसेशन दिया जा सकेगा हाउसिंग स्कीम्स एंड वेरियस स्कीम्स में, है ना। सो दैट इन सबों को इंसेंटिव्स प्राप्त हो सके हु एडियर टू दीज नॉर्म्स, एंड केयर ऑफ एल्डरली एंड बेटर मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ एडोलेसेंट बिटवीन द एज ऑफ 11 टू 19 ईयर, एंड गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करेंगी सेफ अबॉर्शन फैसिलिटीज फॉर वुमेन एज वेल। तो ये कुछ डिटेल प्रोविजंस की हमने बात की यूपी के न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी में, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको प्रॉब्लम्स के लिए यह याद रखने हैं कि यूपी से जो सटे बाउंड्रीज हैं स्टेट के, इंक्लूडिंग द नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल बाउंड्रीज, वो आप याद कर सकते हो और कमेंट सेक्शन में बताओ तो और भी अच्छी बात होगी। साथ ही साथ आपका जो इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव्स लिए गए हैं ये भी आप याद रख सकते हो, फॉर एग्जांपल ये नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 का वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, इतना तो आप याद रख ही सकते हो, और मिशन परिवार विकास 2017 का भी ऑब्जेक्टिव याद रख लो, सो दैट अगर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाए तो आप इलिमिनेट कर सको, है ना। बाकी ये तो आपके जीके जीएस वाले क्वेश्चन हो गए कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को सेलिब्रेट करी जाती है। सो लेट्स मूव टू द सेकंड आर्टिकल, ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट थ्रेटन लाइफ ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर। तो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट, सबसे पहली बात इसका मतलब क्या होता है, तो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट वैसे प्रोजेक्ट होते हैं जो आपके रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल सोलर प्रोजेक्ट्स हो गए या फिर विंड पावर प्रोजेक्ट्स हो गए, ये सब आपके ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स हो गए, है ना। तो दिक्कतें ये आ रही है कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का हैबिटेट है, आपको ही पता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मोस्टली राजस्थान वाले स्टेट में रहते हैं, तो यहाँ पर ये सब जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स लगाई जा रही हैं, फॉर एग्जाम्पल सोलर एंड विंड एनर्जी प्रोजेक्ट, और इसके कारण जो ट्रांसमिशन पावर केबल लाइन्स बिछाई जा रही हैं इन द एयर, उसके कारण ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का इन वायर्स के साथ टकराव देखने को मिलता है, जिसके कारण करंट लगने से इनकी मोर्टेलिटी हो जाती है। तो काफी बिग कंसर्न है, और इतना बिग कंसर्न बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने भी इन ट्रांसमिशन ऑफ लाइंस को अंडरग्राउंड करने की बात कही गई है, बहुत सारे केसेस में हम देखेंगे, बट ये मेजर इश्यू है और मेंस के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में आ सकता है। और ये बात जरूर याद रखना है आपको कि एक निगेटिव पॉइंट आपको अच्छा देखने को मिल रहा होगा इवन फॉर द ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट, है ना, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। और साथ ही साथ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा, ये प्रॉब्लम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो बेसिकली इश्यू ये है बिकॉज कि जो सोलर एंड विंड एनर्जी प्रोजेक्ट राजस्थान में लगाई जा रही हैं, इसके कारण कॉलिजन ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड विद द हाई टेंशन वायर्स जो बिछाए जा रहे हैं इन द ईयर, इसके कारण मॉर्टेलिटी देखने को मिल रही है। और ये डाटा आपको अच्छे से याद रखना है मेंस के लिए कि जो विल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, इसके बारे में 4-5 पॉइंट आपको याद रखने चाहिए। विल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एस्टिमेट किया है कि जो 15% ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पॉपुलेशन डाई करते हैं एवरी ईयर, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ कॉलिजन विद द पावर लाइन्स, जो कहीं ना कहीं एक सिग्निफिकेंट थ्रेट के रूप में निकल कर आ रहा है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए, इवन मोर थ्रेट देन हैबिटेट लॉस एंड डिग्रेडेशन, है ना। एक मेजर थ्रेट तो ये होता है कि इनका हैबिटेट लॉस हो जाए या हैबिटेट डिग्रेड हो जाए, लेकिन एक नया थ्रेट इनको देखने को मिल रहा है, एंड इट इज ऑल बिकॉज आपका कॉलिजन विद द पावर लाइन्स। और
इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट में भी भेजा जा चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में फैसला भी सुनाया था, और वो केस का नाम है आपका एम के रंजीत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अप्रैल 2021 के रिसेंट केस ही है। इसमें स्पेसिफिक बाइंडिंग डायरेक्शन दिए गए थे, वाइल एक्नोलॉजिंग द नीड टू वेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर ह्यूमंस विद द राइट ऑफ अदर क्रिएचर्स, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि ठीक है भाई, हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर ह्यूमंस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, बट सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम पर हम दूसरे क्रिएचर्स की जान तो नहीं ले सकते ना, दूसरे क्रिएचर्स के अधिकार को नहीं खत्म कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था बेसिकली, और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस भी दिए गए थे, है ना। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा था कि जो भी पावर लाइंस है उसको अंडरग्राउंड करी जाएंगी, और टाइम लिमिट दिया गया था 1 ईयर का फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर, एंड साथ ही साथ जो भी पावर लाइंस हैं उनको मैंडेटरी की गई थी इन द बोथ पोटेंशियल एंड प्रायोरिटी हैबिटेट, जो आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का है ना, वहां पर आपका अंडरग्राउंड किया जाएगा इन द फ्यूचर, एंड अंटिल लाइन्स आर मेड अंडरग्राउंड, बर्ड डाइवर्टर्स, बर्ड डाइवर्टर्स बेसिकली डिवाइसेस होते हैं जो पावर केबल लाइन्स पर लगा दिए जाते हैं, और उसके कारण जो बर्ड्स होते हैं वो पावर केबल लाइन्स के नज़दीक नहीं आती है, तो इससे भी आपका मोर्टेलिटी कम हो सकता है। तो ये सब कुछ डायरेक्शन इश्यू करी गई थी, बट कुछ दिक्कतें भी हैं। अगर पावर लाइन्स को अंडरग्राउंड बिछाई जाती है तो सबसे पहली बात तो ये कि जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा, है ना, बिकॉज अंडरग्राउंड करने का मतलब है गड्ढे खोदने पड़ेंगे, एडिशनल लेबर कॉस्ट होगा, साथ ही साथ इंसुलेटर पैकेजिंग करी जाएंगी वायर की, सो दैट करंट ना लग जाए किसी पर्सन को, या फिर कोई भी बर्ड स्पीसीज या फिर जो एनिमल स्पीसीज है उनको नुकसान ना हो जाए, है ना। साथ ही साथ अगर प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ेगा तो पावर प्राइसेस भी बढ़ जाएंगी बाय नियरली 20%। टेक्निकल फिजिबिलिटी वाली भी इश्यू आ जाती है, बिकॉज ये हाई वोल्टेज पावर लाइन्स होती है ना। एंड सुप्रीम कोर्ट ने 3 मेंबर एक्सपर्ट कमिटी भी कंस्टिट्यूट करी थी टू एग्जामिन द फिजिबिलिटी इन अंडरग्राउंडिंग फॉर हाई वोल्टेज पावर लाइन, तो ये भी याद रखना है आपको। और अगर प्रीलिम्स की बात करें तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बेसिक के बारे में आपको जानना ही है, इट इज इंडेमिक टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडेमिक टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मतलब ये हुआ कि ओरिजिनली ये आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट से आपका नेचुरली अवेलेबल है ना। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी जगह पर नहीं मिल सकती, लेकिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में तो ये नेचुरली मिल जाती है, इसे दूसरे जगह से उठा कर नहीं लाया गया है। एंडेमिसिटी मतलब यही होता है कि यहीं की पैदाइश, कहने का मतलब ये है ना। एंड फाउंड इन सेंट्रल इंडिया, वेस्टर्न इंडिया एंड ईस्टर्न पाकिस्तान एज वेल। एंड IUCN स्टेटस आपको याद रखने हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। इंपॉर्टेंट साइट्स फॉर द स्पीसीज तो आप देख लो, डेजर्ट नेशनल पार्क सेंचुरी राजस्थान में, ये सब याद रखने हैं आपको स्टेट के साथ, नलाया गुजरात में, वरोरा महाराष्ट्र में, एंड बेलारी कर्नाटका में, है ना, तो ये याद रखने हैं आपको। एंड जो हैबिटेट है वेयर इट इज मोस्ट ऑफन फाउंड वो है आपका एरिड एंड सेमी एरिड ग्रासलैंड, ओपन कंट्री जहाँ पर आपका थोर्न स्कर्ब है, टॉल ग्रासेस इंटरस्प्लेटेड विद कल्टीवेशन, एंड ये याद रखना है, अच्छा और काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग पॉइंट होगा, इट अवॉइड्स द इरीगेटेड एरिया, एंड इट इज़ वन ऑफ द स्पीसीज फॉर द रिकवरी प्रोग्राम अंडर द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ लाइफ हैबिटेट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, यानी कि जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के द्वारा चलाई जा रही है ना, इट इज वन ऑफ द स्पीसीज फॉर द रिकवरी प्रोग्राम। तो ये कुछ डिस्कशन हमने किया प्रीलिम्स के लिए, आपको ये याद रखने हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बेसिक के बारे में, और फिर आपको वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में कुछ बातें, फॉर एग्जाम्पल ये स्टेटरी बॉडी है या नहीं है, अगर है तो कौन से एक्ट के तहत इंस्टीट्यूट करी गई है ना, कौन इसे चेयर करता है, क्या PM चेयर करते हैं या फिर कौन चेयर करता है, ये बातें पता होनी चाहिए। और ये केस आप याद रख लेना, कहीं रेफरेंस के रूप में यूज कर सकते हो। और एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर, ये मेन सेंसर राइटिंग के लिए, कि यहाँ पर आपको निगेटिव कंसिक्वेंसेज देखने को मिल रहा है इवन ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स का। एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, कोविड वैक्सीन शॉर्टफॉल थ्रेटन ग्लोबल रिकवरी वॉन्स G20। तो बेसिकली अभी G20 कंक्लूड हो रहा है, तो उसी दौरान बेसिकली जो फाइनेंस मिनिस्टर थे G20 नेशन के, उन सबों ने मिलकर ये कंसर्न रेज करी है, और इसका लॉजिक भी है, बिकॉज जितना वैक्सीन शॉर्टफॉल होगा उतना टाइम से ये जो डिजीज है वो सर्वाइव करेगा, उतना ज़्यादा म्यूटेशन होगा, और म्यूटेशन होने के कारण ये भी हो सकता है कि वैक्सीन आपका इनइफेक्टिव हो जाए, है ना, दैट्स वाई ये कंसर्न है। और जब ये वैक्सीनेशन इनइफेक्टिव हो जाएगा और ये पेंडेमिक कंट्रोल नहीं होगी तो ग्लोबल रिकवरी का एक्सपेक्टेशन नहीं किया जा सकता, है ना। तो ये जो आपका फाइनल कंक्लूडरी रिमार्क्स जो दिए गए हैं, वेनाइस कहाँ है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दो। तो एट द फाइनल कॉम्युनिक एट वेनाइस, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ G20 नेशन हैज रेज्ड कंसर्न
ऑन द थ्रेट टू ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी ऑल बिकॉज ऑफ द न्यू कोरोना वायरस वेरियंट जो देखने को मिल रहे हैं, एज वेल एज जो डिफरेंट पेसेस या स्पीड ऑफ वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है अराउंड द वर्ल्ड। कहीं कहीं पूरे देश फुली वैक्सीनेटेड हो गए हैं तो कहीं कहीं अभी शुरुआत भी नहीं है, कहीं कहीं आपका काफ़ी स्लो चल रहा है। तो ये हो गया आपका डिफरेंट पेसेस ऑफ वैक्सीनेशन अराउंड द वर्ल्ड। एंड इसी के तहत एक बात ये भी कही गई है कि अप्रोक्स ऑलमोस्ट ऑल नेशंस ने तो इकोनॉमिक सपोर्ट पैकेजेज इश्यू कर दिए है। फॉर एग्जांपल इंडिया के केस में आत्मनिर्भर पैकेज आपने देखा होगा, फिर आरबीआई जो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी सपोर्ट लेकर आई है उसके मदद से इंसेंटिव दिए जाने की बात करी जा रही है ना, साथ ही साथ वैक्सीनेशन ड्राइव का भी इफर्ट काफ़ी तेज किया गया है। बट वाइड डाइवर्जेंसी एग्जिस्ट कर रही है बिटवीन द एक्चुअल रिकवरी एज वेल एज वैक्सीनेशन लेवल। एंड लो वैक्सीनेशन रेट होने का मतलब ये हुआ कि जो पुअरर नेशंस होंगे वो काफ़ी लंबे समय तक एक्सपोज हो सकते हैं इस वायरस को लेकर, और जितने लंबे समय तक एक्सपोज होंगे उतना ज़्यादा म्यूटेशन होगा, उतना ज़्यादा म्यूटेशन होगा उतना स्ट्रॉन्ग वायरस बनेगा, उतना ज़्यादा वायरस स्ट्रॉन्ग बनेगा वैक्सीन उतनी ज़्यादा इनफेक्टिव बन जाएगी, है ना। तो की टेक अवेज जो G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड G20 ग्लोबल हेल्थ समिट से निकाले गए हैं वो देखते हैं। पहली बात तो ये कि एडॉप्शन ऑफ रोम डिक्लेरेशन, और ये जो रोम डिक्लेरेशन है इट इज़ अ 16-पॉइंट कमिटमेंट जिसके तहत आने वाले फ्यूचर पैंडेमिक की जोर शोर से तैयारी की जा सके, अलोंग विथ इंक्रीजिंग द लोकल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एंड इन्वेस्टिंग इन वर्ल्ड वाइड हेल्थ सिस्टम्स एंड अदर की इन्हीं आउटकम की बात करें तो सपोर्ट फॉर एन इक्विटेबल ग्लोबल शेयरिंग ऑफ वैक्सीन एंड यूज ऑफ ऑल पॉसिबल टूल्स टू कम्बैट द COVID-19। तो बेसिकली इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ वैक्सीन की भी बात कही गई है एट ए ग्लोबल लेवल। साथ ही साथ ये भी रिकमेंड किया गया है कि $15 बिलियन का न्यू वैक्सीन फाइनेंसिंग करी जाए IMF, वर्ल्ड बैंक, WHO एंड WTO के द्वारा, है ना। एंड यूरोप प्राइमरली जो आपके फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, इन्होंने प्रॉमिस किया है कि 100 मिलियन वैक्सीन डोजेज शेयर करी जाएंगी लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज को बाय द एंड ऑफ द ईयर। तो इससे बेनिफिट ये होगा कि इनके पास ये वैक्सीन अवेलेबिलिटी होगी, और वैक्सीन अवेलेबिलिटी होने के कारण ये सब देश भी अपने आप को COVID-19 जैसी महामारी से बचा सकेंगे, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके पास उतनी मनी नहीं होती है कि वो खरीद सके वैक्सीन को, तो ये दूसरे देश के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं फॉर मास वैक्सीनेशन, है ना। दैट्स वाई यहाँ पर आपका ये जो यूरोपियन नेशन है ये आगे बढ़ रहे हैं सो दैट आपका जो इक्विटेबल ग्लोबल शेयरिंग ऑफ वैक्सीन हो सके। एंड इन ए रिलेटेड न्यूज एक एनालिसिस करी गई है इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेस के द्वारा, जिसमें ये बोला गया है कि आर नंबर दैट इज द रिप्रोडक्टिव नंबर फॉर COVID-19 जो भारत के केस में है वो बढ़ रही है फिर से, और इसका डाटा भी आप देख लो 0.78 जो पहले था और ये बढ़कर 0.88 हो गया है बिटवीन द मई 15 से जून 26 के बीच, जिसका मतलब ये हुआ कि आने वाले समय में हो सकता है इन्फेक्शन फिर से बढ़ने लगे। अभी तो शांत होगा ये फिर से, जिसको आप थर्ड वेव कह रहे हो इसका इंडिकेशन ये एनालिसिस बता रहा है आपको। बेसिकली आर नंबर की अगर हम बात करें तो ये इंडिकेटर होते हैं COVID-19 की एबिलिटी को, ये मापता है कि वो स्प्रेड होंगे तो कितना इन्फेक्शन काउज कर सकते हैं। तो अगर आर वैल्यू 1 से ज़्यादा है, यानी कि भारत के केस में देख लो अप्रोक्स 1 के आसपास आ रहा है, और आर वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा हो जाती है तो ऑन एन एवरेज मोर देन 1% वो इफेक्ट हो जाएंगे बाय एन ऑलरेडी इन्फेक्टेड पर्सन, यानी कि हम इन्फेक्टेड है तो मेरे से 2-3 व्यक्ति, 1 व्यक्ति इन्फेक्ट तो हो ही जाएंगे, लीडिंग टू ए सर्जेज इन द केसेस, है ना। तो ये आपका डिस्कस किया गया है, ये G20 के बारे में आपको अच्छे से तैयारी कर लेनी है, और इसके की आउटकम्स अभी जो रिसेंट समिट में आए हैं ये खासकर ये रोम डिक्लेरेशन तो आपको याद रखना है 16-पॉइंट कमिटमेंट जो आपका G20 से एसोसिएटेड है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन यूपी से पूछेंगे, और G20 के बेसिक के बारे में आपको पता होना चाहिए आपका, है ना। मेंबर्स आपको पता हो कि इंडिया है और भी कुछ इंपॉर्टेंट नेशंस जो मेंबर्स के रूप में होंगे, ऑन एवरेज आप मैप देख लेना तो आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। 1/6 ऑफ इंडियाज ग्राउंड वाटर रिजर्व्स ओवर एक्सप्लॉयटेड, ये आपका स्टडी आया है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के द्वारा, है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टडी है और कहीं ना कहीं आपके मेंस आंसर राइटिंग में ये स्टडी काफ़ी मदद करेगा
क्योंकि आपको डाटा यहाँ से निकालने हैं और आपको यूज करने हैं अगर आपका वाटर रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो बेसिकली लेटेस्ट असेसमेंट डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज का जो किया गया है बाय द सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, इसमें कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है इन द ग्राउंड वाटर सिचुएशन ऑफ द कंट्री। तो काफ़ी पॉजिटिव न्यूज यहाँ से आप देख सकते हो कि इस स्टडी के अनुसार ग्राउंड वाटर की जो स्थिति पहले बिल्कुल खराब होती जा रही थी, है ना, उसमें अब कहीं ना कहीं सुधार देखने को मिल रहा है। क्या की फाइंडिंग है तो देख लो, नंबर ऑफ ओवर एक्सप्लॉयटेड एंड क्रिटिकल असेसमेंट यूनिट्स ये डिक्लाइन हुई है, और ये डिक्लाइन होने का कारण बताया जा रहा है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रिचार्ज। इंक्रीज इन आर्टिफिशियल एंड नेचुरल रिचार्ज यानी कि जगह जगह पर आपके आर्टिफिशियल वेल्स ओपन कर दिए गए हैं सो दैट रेन वाटर हार्वेस्टिंग करी जा सके, है ना। अब जब रेन वाटर हार्वेस्टिंग करी जाएंगी तो रेन वाटर का ही इस्तेमाल किया जाएगा, ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल कम होगा, है ना, जिसके कारण आपका ग्राउंड वाटर को मौका मिलेगा कि वो रिचार्ज हो जाए, है ना। तो एक्सट्रैक्शन भी कम होगा साथ ही साथ रिचार्जिंग भी ज्यादा होगी, है ना। और जब हम बात करते हैं ओवर एक्सप्लॉयटेड यूनिट्स की तो ये वो एरियाज होते हैं जहां पर ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन एक्सीड कर जाती है एनुअली रिप्लेनिसेबल ग्राउंड वाटर रिचार्ज से, है ना। यानी कि लेट्स से कि आपका 100 यूनिट आपने एक्सट्रैक्ट किया और बस 90 यूनिट ही वो रिचार्ज हो सका इन ईयर, तो आप कह सकते हो कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन हुआ है ना। धीरे धीरे होगा क्या इससे कि जो रिजर्व है वो खत्म हो जाएंगे बिकॉज ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। एंड फॉर क्रिटिकल कैटेगरी 90 से 100%, सेमी क्रिटिकल की बात करें तो 70 से 90%, और सेफ कैटेगरी की बात करें तो लेस देन 70% रिचार्ज, है ना। तो अदर कैटेगरीज की बात करी जा रही है, क्रिटिकल कैटेगरी में आपका 90 से 100% आपका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, सेमी क्रिटिकल में बिटवीन 70 से 90%, और सेफ कैटेगरी में आपका लेस देन 70%। तो ये सेफ कैटेगरी में क्या हुआ कि रिचार्ज तो कम से कम एक्सप्लॉयटेशन से ज़्यादा ही हो रहा है। साथ ही साथ अदर डिटेल्स की बात करें तो एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज में इंक्रीमेंट देखने को मिली है 2436 बिलियन क्यूबिक मीटर्स इन 2020 फ्रॉम 431 बिलियन क्यूबिक मीटर 2017। तो ये डाटा आपको याद रखने हैं ना, क्योंकि पॉजिटिव न्यूज है तो इसे आपको नोट डाउन करना चाहिए। साथ ही साथ नेट एक्सट्रैक्टेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज में भी इंक्रीमेंट देखने को मिला है। फॉर एग्जाम्पल 2020 में ओवरऑल 398 बिलियन क्यूबिक मीटर का ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन किया गया था, 2017 में 393, तो ये बढ़ा है ना। तो नेट एक्सट्रैक्टेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज में बढ़ोतरी देखने को मिली, लेकिन साथ ही साथ जो एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज है उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिली है ना। बट बात करते हैं ग्राउंड वाटर क्राइसिस हमारे देश में क्यों हो रहा है, आखिर कौन कौन से कारण है जिसके कारण आपको ग्राउंड वाटर क्राइसिस देखने को मिलता है। पहली बात तो ये कि नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स की बात करें, है ना, तो यहाँ पर इनडिस्क्रिमिनेट विड्रॉल किए जाते हैं ग्राउंड वाटर का बिकॉज ऑफ द एग्रीकल्चर, है ना, क्योंकि वहाँ पर वाटर डोमिनेटिंग क्रॉप्स कल्टिवेट किए जाते हैं जैसे पैडी या फिर शुगरकेन, जो काफ़ी ज़्यादा वाटर रिक्वायर्ड क्रॉप्स होते हैं, है ना। साथ ही साथ आपको ये भी पता होगा ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट में कि जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन होते हैं वो कहीं ना कहीं मानसून सबसे अंत में रिसीव करते हैं और काफ़ी कम मात्रा में रिसीव करते हैं। तो एक तो ऑलरेडी आपका जो रेनफॉल है वो कम रिसीव होता है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में, और दूसरी तरफ अगर ओवर एक्सप्लॉयटेशन होगा तो आपका ये क्राइसिस होगी ही होगी। साथ ही साथ वेस्टर्न स्टेट्स की बात करें तो यहाँ पर लिमिटेड ग्राउंड वाटर रिचार्ज ड्यू टू एरिड क्लाइमेट, वही मैंने बताया आपको। पेनिनसुलर स्टेट्स में ये क्राइसिस क्यों है तो बिकॉज ऑफ द इनहेरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन एक्वाफायर। क्रिस्टलाइन एक्वाफायर से कहने का मतलब ये है कि ऐसे तो आप नॉर्दर्न इंडिया में देखते हो कि वी हैव द ग्रेट प्लेन्स, तो जो वाटर रेनफॉल के माध्यम से आती है वो आराम से नीचे चली जाती है रिजर्वायर में, लेकिन पेनिनसुलर ब्लॉक आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा तो वो हार्ड रॉक से बने तो पेनिट्रेशन नहीं हो पाता और कहीं ना कहीं जो रिजर्वायर है उसमें वाटर स्टोर नहीं हो पाती, दैट्स वाई काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली आपको देखने को मिलता होगा वहाँ पर ग्राउंड वाटर रिजर्वेयर को खोदना, एंड कहीं ना कहीं वाटर भी काफ़ी ज़्यादा नीचे जाके अवेलेबल होती है। तो ये सब कुछ कंसर्न्स है, दैट्स वाई साउथ इंडिया में आपको ये वाटर क्राइसिस ज़्यादा भी देखने को मिलती है ना। एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर ग्राउंड वाटर क्या क्या है तो देख लो, अटल भूजल योजना, नेशनल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, एंड पीएम कृषि सिंचाई योजना जिसके तहत स्प्रिंकल एंड ड्रिप इरिगेशन को प्रमोट किया जाएगा बिकॉज कहीं ना कहीं इससे आपका जो वाटर यूज इफिशियंसी बढ़ेंगी, और ये बढ़ती हैं तो जाहिर सी बात है आपका वाटर वेस्टेज कम होगा। एज वेल एज एडवोकेटिंग द ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग मेथड जैसे वाव बाउली, बस ये टर्म याद रख लो वाव बाउली, ये सब आपका ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग मेथड्स हैं। और यहाँ पर कुछ स्टेटस देख लो, ये जो आपका 2017 वर्सेस 2020 को कंपेयर किया गया है, नंबर ऑफ यूनिट्स
जो आपके सेफ कैटेगरी में है आपका 4310 हुआ करता था 2017 में, जो आपका बढ़कर 4427 हुआ है। तो काफी पॉजिटिव रिमार्क है, बढ़ोतरी देखने को मिली है ना। और सेमी क्रिटिकल की बात करें तो ये बढ़ा है आपका 2020 में, क्रिटिकल की बात करें तो ये घटा है, ये भी पॉजिटिव न्यूज है। ओवर एक्सप्लॉइटिंग की बात करें तो ये भी घटा है, ये पॉजिटिव बात है। सेल लाइन की बात करें तो ये आप देख सकते हो ये भी आपका घटा है 2020 में, है ना। और यहाँ देख लो कैटेगराइजेशन ऑफ असेसमेंट यूनिट 2020, ये जो रेड कलर देख रहे हो ये ओवर एक्सप्लॉइटेड, तो ये आप साफ साफ देख रहे हो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है ओवर एक्सप्लॉइटेड कैटेगरी में आ रही है। और फिर कुछ सदर्न स्टेट्स को देख लो, एंड ग्रीन आप देख रहे हो, है ना, जो ग्रीन देख रहे हो आप, ये जो ग्रीन के पैचेज है ना यहाँ पर आपका सेमी क्रिटिकल में, और सेफ में ये जो आपका ब्लू पैचेज देख रहे हो यहाँ पर, यहाँ पर ये सब आपके सेफ में। तो ये हमने डिस्कस किया ग्रेट डिटेल से, होप आप लोगों को ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, इंडिया नाउ एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन हब अकॉर्डिंग टू नैसकॉम रिपोर्ट। तो नैसकॉम रिपोर्ट के अनुसार अब भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन हब के रूप में उभरता जा रहा है, और ये नैसकॉम रिपोर्ट का डाटा बेसिकली बता रहा है। और ये नैसकॉम रिपोर्ट में बेसिकली ये बातें आई हैं कि जो आर्टिफिशियल बेस्ड इनोवेशन है उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिल रही है इन द लास्ट 5 ईयर्स, और इंडिया ने अब टॉप 10 कंट्रीज को ज्वाइन कर लिया है इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड पेटेंट फाइलिंग। जब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस का नाम सुना होगा, ह्यूमन इंटेलिजेंस का मतलब क्या कि जो ह्यूमन है उसको सोचने समझने की शक्ति है, किसी भी स्थिति में क्या डिसीजन लेना है वो डिसीजन लेने की शक्ति है ना, थिंकिंग पावर है, ह्यूमन इज ए थिंकिंग कैपेबिलिटी पर्सन। और जब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि हम क्या करते हैं, जो कंप्यूटर सिस्टम है जैसे रोबोटिक्स, है ना, आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, उसमें हम थिंकिंग कैपेबिलिटी डालने का प्रयास करते हैं, सो दैट जो मशीन्स हैं वो सब बेस्ड ऑन डिफरेंट सिचुएशंस वो अपने आप एक्शन ले सके, है ना, कहाँ पर क्या एक्शन लेना है ये ह्यूमन उनको डायरेक्ट ना करिए, खुद डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन वो एक्शन ले सके। दैट मीन्स द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, वो खुद इतना इंटेलिजेंट हो जाए कि वो डिसीजन लेने में समर्थ हो किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो आपका सिक्योरिटी पर्पस हो, है ना, चाहे आपका ये जो सेल्फ ड्राइविंग कार का कंसेप्ट देते हो, ये सब आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एप्लीकेशन है। बेनिफिट ऑफ ग्रोइंग पैटेंट फाइलिंग, तो ये देख लो पैटेंट फाइलिंग जो ग्रोथ देखने को मिली है भारत में, जिसके कारण भारत टॉप 10 कंट्रीज में आ रहा है इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड पेटेंट फाइलिंग। तो क्या बेनिफिट होंगे, तो इट विल प्रोटेक्ट वंस इन्वेंशन फ्रॉम कॉपिंग, है ना, कि दूसरा कोई जो है किसी दूसरे का जो इन्वेंशन है उसको कॉपी नहीं करेगा बिकॉज पेटेंट हो गया है ये प्रोडक्ट, है ना, एज वेल एज हेल्प इन मोनिटाइजेशन ऑफ इनोवेशन, एंड इट ऑल्सो सर्व एज एंट्री बैरियर फॉर कंपटीशन, प्रमोटिंग मोर इनोवेशन एंड पेटेंट फाइलिंग। चैलेंजेस भी हैं, चैलेंजेस ये है भारत के केस में कि पैटेंट फाइलिंग काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। आप समझ सकते हो आज मैंने एप्लीकेशन दिया, 4 साल बाद मुझे उस प्रोडक्ट के ऊपर पैटेंट ग्रांट मिलेगी, तो आप समझ सकते हो 4 साल का क्या। एंड स्टेप्स क्या लिए जाएंगे टू ओवरकम द चैलेंजेस, तो कहीं ना कहीं स्टेक होल्डर्स को एक साथ आना पड़ेगा टू मेंटर एंड सपोर्ट द स्टार्टअप एंड स्मॉल कंपनीज, एज वेल एज अवेयरनेस बिल्डअप करने की बात है ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ पैटेंट फाइलिंग, एंड जो भी इनएफिशिएंसीज है पैटेंट एग्जामिनेशन प्रोसेस जिसके कारण डिले होता है उस इनएफिशिएंसीज को कम करना होगा। पैटेंट की बात करें तो ये एक्सक्लूसिव राइट होता है जो ग्रांट किए जाते हैं किसी इन्वेंशन को या फिर प्रोडक्ट को या फिर प्रोसेस को जो कहीं ना कहीं न्यू वे ऑफ डूइंग समथिंग ऑफर करता है या फिर न्यू टेक्निकल सॉल्यूशन किसी भी प्रॉब्लम का ऑफर करता है, तो हम उसे पेटेंट कह सकते हैं, है ना, और वो पेटेंट हो भी सकते हैं। और पेटेंट आर कंसिडर्ड एज वन ऑफ द प्राइमरी वेज ऑफ मेजरिंग इनोवेशन, तो ये आप यूज कर सकते हो, है ना, कि पेटेंट ज़्यादा रजिस्टर हो रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इनोवेशन देश में बढ़ रहा है, R&D देश में बढ़ रहा है। एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अकाउंट्स फॉर 6% ऑफ ऑल इमर्जिंग टेक पेटेंट इन इंडिया। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एप्लीकेशन आपको याद रखने हैं प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कुछ चैलेंजेस याद रखना है आपको पेटेंट्स को लेकर, क्योंकि इंडियन पेटेंट्स एक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक्सक्लूसिव मेंशनड है आपका सिलेबस में, याद रहना है। नाउ लेट्स मूव टू द शॉर्टर न्यूज, बांग्लादेश बिकम इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। ये आप समझ सकते हो काफ़ी ज़्यादा न्यूज ये बांग्लादेश और इंडिया को लेकर आ रही है। तो बेसिकली एक्सपोर्ट टू बांग्लादेश आप देख लो 11% का ग्रोथ हुआ है इन द प्रीवियस फिस्कल ईयर,
इवन भारत का जो ओवरऑल एक्सपोर्ट था वो श्रिंक हुआ था 7% से। इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ द पैंडमिक, है ना। पैंडमिक के दौरान आप समझ सकते हो 11% की ग्रोथ हुई थी एक्सपोर्ट्स में टू द बांग्लादेश, और ओवरऑल एक्सपोर्ट देखा जाए भारत का तो श्रिंक हुआ था। और इंडिया का जो टॉप एक्सपोर्ट आइटम जो बांग्लादेश को किए जाते हैं वो है आपका कॉटन एंड कॉटन यार्न। इलेक्ट्रिसिटी की जाती है फ्यूल राइस एंड कॉर्न एज वेल, एंड अप्रोक्स 51.6 बिलियन डॉलर, यानी कि यूएस की बात कर रहे हैं, यूएस अप्रोक्स 51.6 बिलियन डॉलर का आपका एक्सपोर्ट किया जाता है यूएस को, एंड इट इज इंडियाज टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। याद रखना भारत के प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट यूएस में किए जाते हैं, वैल्यूएशन देख लो। एंड चाइना आपका सेकेंड बिगेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट हो गया है, सरपासिंग द यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। ये फैक्ट आपको याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। तो अभी टॉप थ्री एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो आपका यूएस पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर आपका चाइना, है ना, और जो आपका तीसरे नंबर पर आई थिंक यूएई होगा, बाकी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। बांग्लादेश का न्यूज आया तो याद रख लो, बांग्लादेश का फिफ्थ होगा। नाउ वी हैव द नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो। तो बेसिकली नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो ये बेसिकली रूल्स होते हैं दैट आर ए पार्ट ऑफ बासिल थ्री रेगुलेशन, और इसे डिजाइन किया गया है सो दैट जो बैंक है वो मोर स्टेबल एंड हो सके, और साथ ही साथ उनको प्रिवेंट किया जा सके कि जो आपका 2008-09 में फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी उस प्रकार की क्राइसिस का रिपीटेशन ना हो। तो ये जो रूल है ये ट्रीट करता है फिजिकली ट्रेडेड गोल्ड को लाइक एनी अदर कमोडिटी, जिसके तहत जो बैंक होते हैं वो मोर कैश रख सकते हैं टू मैच देयर गोल्ड एक्सपोजर एज ए बफर इफ देयर इज ए एडवर्स प्राइस मूव्स। एंड ये जो रूल है वो इंक्रीज करेगा कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ बैंक बैलेंस शीट टू होल्ड गोल्ड। एंड इन इंडिया एनएसएफआर सेल कैम इनटू इफेक्ट फ्रॉम अक्टूबर 1, 2021। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड। तो ये जो आपका नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड है इसे 2006 में स्टेब्लिश किया गया था, हेडक्वार्टर हैदराबाद है, और ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ये है बेसिकली जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज दैट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरिंग। एंड इसका मिशन बेसिकली क्या है, तो होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द फिशरीज सेक्टर वाया इनहेंसमेंट ऑफ फिश प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इन द कंट्री। एंड फॉर एग्जाम्पल क्या क्या स्टेप्स लिए जाएंगे, तो सस्टेनेबल मैनेजमेंट किया जाएगा एज वेल एज कंजर्वेशन ऑफ नेशनल एक्वाटिक रिसोर्सेज विथ फोकस्ड अटेंशन टू द फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, जिसमें आपका प्रोडक्शन को एनहेंस किया जाएगा, प्रोसेसिंग बढ़ाई जाएगी, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केटिंग ये सब किए जाएंगे। एंड वी हैव द जीनोम ऑफ मैंग्रोव स्पीसीज ये डिकोड कर दी गई है, ये आपका न्यूज है। तो पहली बार होल जीनोम सीक्वेंस ऑफ हाईली साल्ट टॉलरेंट, आपको पता है ना मैंग्रोव जो है वो आपके हाईली साल्ट टॉलरेंट होते हैं, एज वेल एज साल्ट सेक्रेटिंग ट्रू मैंग्रोव स्पीसीज दैट इज द एविशिनिया मैरिनवास, इसको डिकोड किया गया है। आपको याद ये रखना है प्रॉब्लम्स के लिए, एविशिनिया मैरिनवास बेसिकली ये आपके मैंग्रोव स्पीसीज है ना। तो आपका एविशिनिया मैरिना ये रेयर प्लांट स्पीसीज है जो 40% ऑफ साल्ट एक्सक्रीट कर सकते हैं थ्रू साल्ट ग्लैंड इन लीव्स, है ना। तो इनके लीव्स में ही साल्ट ग्लैंड रहता है और इसी के मदद से 40% तक साल्ट ये एक्सक्रीट कर सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंस ये होगा कि ये भारत में 6.73 मिलियन हेक्टर लैंड एरिया इन इंडिया इज सेलाइन, एंड रिसर्च विल हेल्प इन आइडेंटिफाइंग जीन्स फॉर डेवलपिंग ड्राउट एंड सैलिनिटी टॉलरेंट वैरायटीज ऑफ क्रॉप। एंड मैंग्रोव्स ये जो मैंग्रोव्स ट्रीज हैं वो ग्रो करते हैं इंटर टाइडल रीजन या फिर बेसिकली का इको टोन रीजन में, जो रिवर्स इस्टुरीज जो आपके कोस्टल रीजन में मौजूद होते हैं वहाँ पर, बिकॉज वहाँ पर आपका फ्रेश वाटर और साल्ट वाटर दोनों का मिक्सअप होता है। एंड इट ग्रोज बिटवीन द 24 डिग्री नॉर्थ एंड 38 डिग्री साउथ, ये लैटिट्यूड भी आप याद रख सकते हो 24 डिग्री नॉर्थ एंड 38 डिग्री साउथ के बीच में। एंड बेनिफिट क्या होते हैं, दे प्रोटेक्ट शोर लाइन्स एंड प्रोवाइड हैबिटेट फॉर डाइवर्स टेरिस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म एज वेल। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, जापानीज इंसेफेलाइटिस एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम JEAES। तो जल जीवन मिशन has extended the tap water supply to more than 97 lakh households in the 61 Japanese encephalitis AES affected priority district in the last 22 months. ये न्यूज है, that's why Japanese encephalitis न्यूज में आई है। तो basically JE viral brain infection है जो spread करती है mosquito bites से
और मॉस्किटो कौन सा है, तो बेसिकली क्यूलेक्स स्पीसीज मॉस्किटो होते हैं जो आपका जैपनीज इंसेफ्लाइटिस काउज करवाते हैं टू द ह्यूमन। एंड ये वायरस पिक्स बर्ड्स में मिल सकते हैं एंड इट इज पास टू द मॉस्किटो व्हेन दे बाइट द इन्फेक्टेड एनिमल। और ये सीरियस हेल्थ हजार्ड है साउथ ईस्ट एशिया एज वेल एज वेस्टर्न पैसिफिक रीजन के लिए इंक्लूडिंग द 61 प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट जो इंडिया में स्प्रेडेड है ओवर द 5 इंडियन स्टेट दैट इज योर असम, बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। नाउ नेक्स्ट वन इज केसरिया बुद्धा स्तूपा। तो ये जो वर्ल्ड फेमस केसरिया बुद्धा स्तूपा कहाँ पर है, चंपारण बिहार में। ये वाटर लॉग हो गई हैं फॉलोइंग फ्लड्स इन द कैचमेंट ऑफ रिवर गंडक। तो यही याद रखना है आपको, केसरिया बुद्धा स्तूपा चंपारण बिहार और जो आसपास जो रिवर फ्लो करती है वो आपका रिवर गंडक। स्तूपा की बात करें तो ये टॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट एवर एक्सकेवेटेड स्तूपा है इन द वर्ल्ड, यानी कि इस स्तूपा की बात करी जा रही है केसरिया बुद्धा स्तूपा। इट इज टॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट एवर एक्सकेवेटेड स्तूपा इन द वर्ल्ड एंड साथ ही साथ इट इज वन ऑफ द टॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट बुद्धिस्ट स्तूपा इन द वर्ल्ड। एंड आर्क्योलॉजिस्ट ये मानते हैं कि ये बनाई गई थी लिच्छवी जो वैशालीज के द्वारा बिफोर बुद्धा अटेंड निर्वाणा, और इसको कॉमनली राजा बेन का देवरा भी कहते हैं ना। एंड चाइनीज पिलग्रिम ह्यूएनसांग ये हर जगह पहुंच जाते हैं है ना, तो हैज विजिटेड एज पर हिज डायरी इन 7th सेंचुरी। और ये जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज डिक्लेयर्ड इट ए प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ये भी याद रखना। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट वन दैट इज योर प्लेसेस इन न्यूज। तो जियोर्जिया, तो ये न्यूज में क्यों आई है बेसिकली, तो रिसेंटली इंडिया ने 400 ईयर्स ओल्ड रेलिक ऑफ क्वीन केता वन इसको हैंड ओवर कर दिया है जियोर्जिया को। और ये जो क्वीन केता वन रेलिक्स है ये इंडिया में लाई गई थी बाय द पुर्तगीज मिशनरीज एट संत अगस्तीन चर्च जो आपका ओल्ड गोवा में मौजूद है 1627 में। तो जियोर्जिया इसलिए आपका न्यूज आई है, तो जियोर्जिया कैपिटल देख लो तबलिसी, और ये बिटवीन रशिया एंड तुर्की जहाँ पर आपका ब्लैक सी है वेस्ट में और आर्मेनिया अज़रबैजान एज ए बॉर्डर नेशन। तो जियोर्जिया ये है आपका छोटा सा नेशन, तो इधर वेस्ट सी है यानी कि ब्लैक सी है और यहाँ पर कैप्शन सी है, बॉर्डरिंग देख लो ये आपका रशिया है और आपका तुर्की है एंड आर्मेनिया अज़रबैजान भी है ना, आर्मेनिया अज़रबैजान और आपका रशिया है, तुर्की भी है, ये याद रखने आपको है ना। एंड इट वाज ए पार्ट ऑफ सोवियत यूनियन फ्रॉम 1921 टू 1991 विद ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी एज द मेन रिलीजन। नाउ वी हैव द नेक्स्ट वन कांधार। कांधार का नाम तो आपने हिस्ट्री में भी सुना होगा है ना, ये देख लो कांधार है अफगानिस्तान में है ना, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट अन्य लोकेशंस भी आप याद रख लो, कांधार, हेरात, मजारे शरीफ ये भी न्यूज में है एंड जलालबद एंड काबुल है ना, काबुल तो अफगानिस्तान का कैपिटल ही है ना, साथ ही साथ अफगानिस्तान के बॉर्डरिंग नेशंस नेबर वाले वो भी याद रख लेना क्योंकि काफी ज्यादा न्यूज में आती है ना। तो विद द तालिबान फाइटर्स एट कांधार गेट इंडिया ने एवेक्यूएट कर लिया है अपने डिप्लोमेट्स को एज वेल एज अदर स्टाफर्स फ्रॉम द कांधार कंसुलेट एज ए प्रिकॉशनरी मेजर सो दैट इनके ऊपर हमला न कर दिया जाए। तो कांधार ये आपका सेकेंड मेन सिटी है अफगानिस्तान का काबुल के बाद, लाइंग ऑन ए प्लेन नेक्स्ट टू द तरनाक रिवर इन साउथ सेंट्रल अफगानिस्तान। और ये इंटेंस फाइटिंग हो रही है बिटवीन तालिबान फाइटर्स एंड अफगानिस्तान गवर्नमेंट हैज फोर्स्ड अदर नेशन ऑल्सो टू एग्जीबिट द एग्जिट मतलब इवेक्यूएट द स्टाफ एंड इट्स सिटीजन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द अफगानिस्तान। और इससे पहले 2020 में इंडिया हैज ऑल्सो मूव इट स्टाफ फ्रॉम हेरात एंड जलालबंद कंसुलेट टू द काबुल एम्बेसी इन द वेक ऑफ कोविड-19। और इसके साथ इंडियन कंसुलेट इन अफगानिस्तान रिमेन ओनली एट मजारे शरीफ विद द एम्बेसी एट काबुल है ना, बाकी जगह से ये निकाल दिए गए थे बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी कंसर्न। तो ये हमने डिस्कस किया डिटेल से टुडेज टॉपिक, होप आप लोगों को पसंद आई होगी, अगर पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।